हमने सोचा शार्क टैंक के प्रोडक्ट्स रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमने इतनी सारी चीजें अमेज़न से ऑर्डर कर दी। आज हम सबसे पहले रिव्यू करने वाले हैं स्किपी आइस पॉप्स। ये शार्क टैंक के फर्स्ट सीजन में आए थे। इस पूरे बॉक्स का प्राइस था 240 रुपीज। इसके अंदर टोटल 12 पीसेस थे और इस बॉक्स में लिखा हुआ था कि आपको इसको फ्रीजर में फ्रीज करने के लिए रखना है। 2000 years later. वैसे तो सिर्फ 4-5 घंटे के लिए रखना था, लेकिन मैंने इनको 4 से 5 दिन के बाद निकाला। आशमा, ये कम लग रहे हैं थोड़े से। हाँ, क्योंकि लेमन फ्लेवर तो खत्म हो गया होगा, मैंने सारी खा ली। चीटिंग करता है तो सही में यार, ये तो आशमा ने मेरे साथ चीटिंग करी। चलो कोई बात नहीं, हम बाकी फ्लेवर्स ट्राई करते हैं। मैंने सबसे पहले ट्राई किया कोला फ्लेवर, भाई बचपन की याद आ गई, एक नंबर। बचपन में हम लोकल वाली बहुत खाते थे। फिर मैंने ट्राई किया बबल गम फ्लेवर, जो कि बहुत ज्यादा मीठा था, कोला वाला बेटर था। वैसे इनको शार्क टैंक में 1 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी 15% इक्विटी पे। आशमा को भी बेटर कोला फ्लेवर लगा था। ओवरऑल हमने प्रोडक्ट को रेट किया 8/10।